थाना जमुना पार क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी के समीप एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मृतक की शिनाख्त भी कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया है कि थाना क्षेत्र निवासी रविकांत शुक्रवार को अपनी बहन का रिश्ता तय कर वापस लौट रहा था। परिजनों का कहना है कि घर लौटने पर उसके मोबाइल में एक फ़ोन आया और वह घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा। शनिवार की सुबह परिजनों को जानकारी मिली कि रविकांत का शव पड़ा है। जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए और उसकी शिनाख्त की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने क्षेत्र में रहने वाली ही एक महिला पर हत्या का आरोप लगाया है। मथुरा से टाइम्सलर की खास रिपोर्ट। काजल कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के, शिवनगर कॉलोनी, रेलवे के पास। रेलवे के पास। अच्छा, क्या घटना हुई तुम्हारे भाई के साथ? मेरे भाई के साथ रात पक्का करके आए लड़का मेरे लिए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। अच्छा हाँ, और लड़के का नाम क्या है, पक्का करके आए उसका? मनोज। मनोज। अच्छा, कहाँ पर पक्का किया था? कोसी के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ तुम्हारा भाई भाई? फिर पक्का करके आए हैं शाम को। नहीं, शाम को उसका फोन आया है उस औरत का 11:30 बजे के, आ जाओ। वो ना 2-3 दिन से घर पे आ रही थी, इधर कभी इधर, क्या मुझे जगह दिखा दे, जगह दिखा दे। हाँ, इसलिए वो आई थी। और फिर शाम को उसने कॉल की थी कि आया, 20-25 हज़ार रुपये थे उस मेरे भैया के जेब में, तो उसने बुला लिया मेरे भाई को 11:30 बजे। फिर रात को उस मार दिया। फिर सुबह गली वालों ने बताया, उसकी पूरी फैमिली ने मारा है मेरे भाई को। तुम्हें कैसे पता पड़ा? सुबह कॉल आया है। हाँ, गली के इन लोगों ने। क्या करती थी, काम क्या करती? स्मैक बेचती है और मारती भी है। अच्छा, हाँ, 15 दिन पहले एक और मार दिया है। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है? पुलिस कुछ ना कर रही भाई, तो पैसा चाहिए बस। अच्छा, हाँ, पुलिस तो पैसा लेते बस, औरत पेते पुलिस पैसा खानी है, मैं बता रहा हूँ। कोई बंद कर लिया, उठा लिया पुलिस ने? कोई उठा लिया तो छोड़ देंगे ना। अच्छा, वो तो पैसा दे देगी। किसको पकड़ा है भाई? औरत रचना को बस। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पूरी पकड़नी चाहिए, वाको बेटा, वाको नाती, सब पकड़ने चाहिए। अच्छा भाई, भैया बताइए, सब मानने चाहिए मेरे सामने। उसी ने मेरे भाई को मारा, पूरी फैमिली ने मिलजुल के। और 2-3 दिन रहते मेरे घर के पास, आस पास में भी डोल रही है वो। रहने वाले मध्यम के, क्या घटना हुई तुम्हारे बच्चे के साथ? और बच्चे के साथ जो घटना भाई है, शिवनगर कॉलोनी में रहते हैं हम। और क्या कहते हैं कि हमारे पक्का लड़का कल करके आए और 20-25 हज़ार रुपए थे उसपे। और क्या कहते हैं, इस भास्कर भाई गली में स्मैक बेचते औरत, स्मैक वाले उसने खवाई है। एक लड़का उसने पहले मार दिया और एक लड़का इसने जिम मार दिया। और वो धंधा करती है, पुरुष बारे पैसा खाते है कभी सन, और घर बारे सबरे मिलके हैं। और क्या कहते हैं, कभी सन खाते हैं। पुलिस बारे कुछ कहते नहीं है। हाँ, जे हमें सूचना मिली है सुबह 7 बजे। अच्छा, किसने बताया तुम्हें? हमें बताया है गली के नहीं। अच्छा, डेड बॉडी मिली है? हाँ, डेड बॉडी मरी पड़ी है। यहाँ एक तैयापुर का लड़का था, रवि नाम का, मैंने रवि नाम का लड़का कोई है नहीं है, एक रवि हमारा ही है। हाँ, क्या लगा, किसने मारा है? हाँ, रवि स्मैक बेचती है औरत। हाँ, रचना ने मारा है। और पुलिस वाले पैसा खा लेते हैं तो कुछ करते नहीं है। पुलिस वाले भाई की बात में बोलते हैं। हाँ, पूरा घर है। हाँ, मेरा समझ लो कोई बीमार नहीं, कोई हारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और जो कछु बढ़िया पक्की करके आया लड़का, पक्का करके आया लड़का।